दोस्तों आप लोग एक कहावत सुने होंगे कि शेर बूढ़ा हो जाता है लेकिन शेर शेर ही रहता है, और वह साबित करके दिखा दिए सनी पाजी ने। जहाँ बता दें सनी पाजी आज भी 65 साल उम्र होने के बावजूद भी अपने अंदर ये हिम्मत रखते हैं कि हम बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टारों का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, और आज तोड़ भी दिए। जी हाँ, बता दें आज शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार जैसे बड़े बड़े सुपर स्टार का रिकॉर्ड 65 साल उम्र होने के बावजूद भी सनी पाजी ने तोड़ दिया है। जहाँ बता दें दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पर गदर 2 का प्रमोशन हुआ है, और साथ में आज अपने कमाई के भी माध्यम से इन सभी स्टार का रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं सनी पाजी। जी हाँ, बता दें आज 7वां दिन हो चुका है गदर 2 को सिनेमा हॉल में रिलीज हुए, और आप सभी को बता दें इन 7 दिनों में गदर 2 ने बड़ा बड़ा हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है जो कि आज से पहले कोई नहीं किया था। जी हाँ, बता दें सनी पाजी का गदर 2 फिल्म लगातार सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ती हुई नजर आ रही है, दिन प्रतिदिन कमाई डबल करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, जिसके कारण से बता दें आज 65 साल उम्र होने के बावजूद भी सनी पाजी ने जो रिकॉर्ड बना लिया है, मुझे नहीं लगता है कि साउथ के बड़े बड़े स्टार, चाहे बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार जैसे लोग इस रिकॉर्ड को अभी तोड़ पाएंगे। जी हां, बताएंगे सारी जानकारी, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दें फिल्में तो बहुत कोई बनाती है लेकिन सनी पाजी जैसा फिल्म कोई नहीं बना पाता है। लोग फिल्म बनाते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन सनी पाजी फिल्म बनाते हैं बॉलीवुड के खोए हुए ऑडियंस को वापस लाने के लिए और अपना एक हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए और अपना नाम कमाने के लिए। जी हां, बता दें आज से कुछ दिन पहले बॉलीवुड का दशा काफी ज्यादा खराब था दोस्तों, लोग सिनेमा हॉल देखने तक नहीं जाते थे, लेकिन बता दे गदर 2 जैसे ही आया है सिनेमा घरों में, आप सभी को बता दे लोग ट्रैक्टर लेकर ट्रक लेकर सिनेमा हॉल पहुंच जा रहे हैं और गदर 2 को सपोर्ट करें और सनी देओल को सपोर्ट करें और इस मूवी को पूरा लाभ उठा रहे हैं। बता दे सनी पाजी का फिल्म लगभग 4000 स्क्रीन में रिलीज हुआ, इस 4000 स्क्रीन में रिलीज होते ही बता दे बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार का रिकॉर्ड तोड़ दिया है सनी पाजी के फिल्म गदर 2 ने। बता दे इस फिल्म को बायकॉट पूरा पाकिस्तान कर रहा था, वहीं बता दे हिंदुस्तान के कुछ लोग हैं ऐसे जो कि नमक हिंदुस्तान का खाते लेकिन गुण पाकिस्तान का गाते हैं, वह लोग भी चाह रहे थे कि गदर 2 मूवी इंडिया में पूरी तरह से बैन हो जाए, लेकिन बता दे जिस मूवी को भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया हो, सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े नेता ने सपोर्ट किया हो, बॉलीवुड के सुपरस्टार बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि इस मूवी को सपोर्ट कर रहे हैं, उस मूवी को 2-4 आदमी को बायकॉट करने से कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन बता दें उसके बावजूद भी इतना सारा बायकॉट होने के बावजूद भी गदर 2 ने जो हिस्ट्री क्रिएट किया उसके सामने सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, आमिर खान, बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार और साथ में साउथ के बड़े बड़े सुपरस्टार सनी देओल के सामने फीका पड़ चुके हैं। जी हां, इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि किस तरह से 65 साल उम्र होने के बावजूद भी सनी देओल ने एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया, और साथ में कौन है बॉलीवुड के वो बड़े बड़े सुपरस्टार जिसको सनी देओल ने गदर 2 के माध्यम से उठाकर फेंक दिया है, और साउथ के वो कौन बड़े सुपरस्टार है जिसका रिकॉर्ड सनी पाजी के फिल्म गदर 2 ने तोड़ दिया है, बताएंगे संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग हिंदुस्तान से सच्चे दिल से प्यार करते हैं वह लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हिंदुस्तान जिंदाबाद जरूर लिख दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोग गदर 2 मूवी का ट्रेलर देखे होंगे यूट्यूब पे, चाहे अगर आप सिनेमा हॉल में जाकर गदर 2 मूवी को देखे होंगे, तो आप सभी को अच्छा से पता होगा कि पाकिस्तान को किस तरह से सनी पाजी ने गदर 2 मूवी में धोया है, किस तरह से वहां पिछले बार जब गदर 2001 में आया था तो हेडपंप उखाड़ दिया था, लेकिन इस बार सनी पाजी 2023 में किस तरह से पाकिस्तानियों को बिजली का खंभा ही उखाड़ के पाकिस्तान का पूरा बिजली का सिस्टम गड़बड़ा दिए और पाकिस्तानियों को अच्छा से धूल चटा दिए, जिसे देखने के बाद पूरा पाकिस्तान बौखला चुका था और पूरा पाकिस्तान गदर 2 का विरोध कर रहा था। वहीं बता दें आप सभी को पूरे पाकिस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान के भी कुछ बड़े बड़े सुपरस्टार हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नहीं चाहते थे कि गदर 2 मूवी सुपर ड्यूपर हिट हो, गदर 2 को पूरी तरह से बैन कराना चाहते थे, लेकिन बता दें जिस मूवी का प्रमोशन खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया हो, सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े बड़े नेता ने किया हो, उस मूवी को पाकिस्तान जैसा नीचा देश विरोध करके कैसे बैन करा सकता था, भारत के 2-4 लोग कैसे बैन करा सकते थे। बता दें 11 अगस्त को गदर 2 रिलीज भी हुआ, यह मूवी ऐसा ऐसा हिस्ट्री क्रिएट कर दिया जो मुझे नहीं लगता है कि अभी फिलहाल में बॉलीवुड के कोई सुपरस्टार गदर 2 मूवी का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। जी हां, बता दें 11 अगस्त को यह फिल्म रिलीज हुआ लेकिन उससे पहले ही हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। बता दें सनी पाजी के फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होने वाला था लेकिन बता दें उससे पहले 20 लाख टिकट एडवांस में सेल कर दिया था गदर 2 ने, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है, जो कि बता दें आज से पहले बॉलीवुड के किसी भी स्टार के बड़े बड़े फिल्म जैसे शाहरुख खान के पठान, सलमान खान के किसी के भाई किसी के जान, हाल ही में सनी देओल के साथ साथ रिलीज हुए फिल्म ओ माई गॉड 2 ने इस तरह का रिकॉर्ड हिस्ट्री क्रिएट नहीं कर पाया था। वहीं बता दें आज से पहले कभी भी इस तरह का रिकॉर्ड कोई कायम नहीं कर पाया। वहीं बता दें साउथ जो भी इतना ज्यादा डेवलप है, साउथ को लोग इतना ज्यादा पसंद करते हैं, वह सब जैसे KGF, पुष्पा, RRR जैसी फिल्म ने इस तरह का हिस्ट्री क्रिएट नहीं कर पाया था, लेकिन बता दे सनी
देओल ने आज 65 साल उम्र होने के बावजूद भी इस तरह के हिस्ट्री क्रिएट करके यह साबित कर दिया कि बॉलीवुड का असली किंग सनी पाल जी हैं। दोस्तों हम बताएंगे कि किस तरह से सनी देओल ने अपने 65 साल उम्र होने के बावजूद भी पहले हफ्ते में गदर 2 के माध्यम से बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार और साथ में साउथ के बड़े बड़े सुपरस्टार का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उसके बाद हम आप सभी को बताएंगे कि किस तरह से गदर 2 का प्रमोशन बुर्ज खलीफा पर हुआ और बुर्ज खलीफा पर प्रमोशन होते ही सनी पाल जी ने एक बड़ा हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। जी हाँ, बता दें बुर्ज खलीफा पर बहुत सारे बड़े बड़े सुपरस्टार का फिल्म का प्रमोशन हो चुका है बुर्ज खलीफा पर। जैसे शाहरुख खान का हाल ही में मूवी पठान का प्रमोशन हुआ था, साथ में सलमान खान का भी फिल्म का प्रमोशन हो चुका है बुर्ज खलीफा पर। लेकिन बताएंगे सलमान खान शाहरुख खान के बाद गदर 2 का प्रमोशन हुआ है बुर्ज खलीफा पर और गदर 2 ने किस तरह से हिस्ट्री क्रिएट कर लिया है, जो कि सनी देओल से पहले ही बुर्ज खलीफा पर प्रमोशन करवाकर शाहरुख खान सलमान खान जैसे बड़े सुपरस्टार नहीं कर पाए। लेकिन उससे पहले हम आप सभी को बताते हैं कि सनी पाल जी के फिल्म गदर 2 ने पहले हफ्ते में कितने कमाई किया और किस किस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी बता दें, पहले हम बात करते हैं किसी के भाई किसी की जान मूवी से। जी बता दें, सलमान खान का यह फिल्म एक सप्ताह में टोटल 86.65 करोड़ का कमाई किया। इस फिल्म को रिलीज टोटल 5700 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। वहीं बात कर लेते हैं हम ओ माई गॉड 2 के बारे में, तो ओ माई गॉड 2 लगभग एक सप्ताह के अंदर 86 से 88 करोड़ के बीच में कमाई किया। यह फिल्म लगभग 4000 स्क्रीन पर रिलीज हुआ था। वहीं बात कर देते हैं केजीएफ के बारे में, तो केजीएफ 9000 स्क्रीन पर रिलीज हुआ था और यह एक सप्ताह में 709 करोड़ का कमाई किया था। वहीं बात करते हैं शाहरुख खान के फिल्म पठान के बारे में, तो पठान टोटल 330 करोड़ का कमाई किया था पहला वीक में और बता दें यह टोटल 12000 स्क्रीन पर इस फिल्म को रिलीज किया गया था। वहीं बता दें आप सभी को कि किसी के भाई किसी के जान 86 करोड़ कमाई की, तो वहीं ओ माई गॉड 2 87 करोड़, तो वहीं पठान 330 करोड़ और केजीएफ 719 करोड़ एक सप्ताह में कमाई की। लेकिन बता दें गदर 2 मात्र 300 करोड़ कमाई की है, जहां 299 करोड़ का कमाई किया है एक वीक में। लेकिन बता दें यह फिल्म ने इन सभी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रिकॉर्ड कैसे तोड़ा है आप सभी को बता देते हैं कि यह फिल्म सबसे कम स्क्रीन पर रिलीज हुआ था। जहां बता दें 3700 कुछ स्क्रीन पर रिलीज हुआ था और यह मात्र मान लीजिए तो 4000 स्क्रीन पर रिलीज हुआ था और 4000 स्क्रीन पर रिलीज होने के बावजूद भी 300 करोड़ की कमाई की। वहीं बता दें केजीएफ जैसी मूवी जो कि लगभग 9000 से लेकर 12000 स्क्रीन पर रिलीज हुआ था, वह मात्र 700 करोड़ की कमाई कर पाई। अगर यह फिल्म इन सभी जैसे इतने बड़े बड़े स्क्रीन मिलते और इतना सारा स्क्रीन मिलता तो यह फिल्म पहले वीक में अनुमान मीडिया के मुताबिक बताया जा रहा है कि गदर 2 को अगर 10000 स्क्रीन मिलता रिलीज करने के लिए तो यह फिल्म पहले ही वीक में लगभग 1300 करोड़ का कमाई करता और यह सभी मूवी का रिकॉर्ड तोड़ देता। लेकिन बता दें इतने कम स्क्रीन पर रिलीज होने के बावजूद भी ये फिल्म ने अगर अपने अनुमान माने तो अगर इतना स्क्रीन मिलता तो ये सभी का रिकॉर्ड तोड़ देते, एक नया हिस्ट्री क्रिएट कर दिए। इतना कम स्क्रीन मिलने के बावजूद भी 300 करोड़ का कमाई पहले ही वीक में, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। वहीं बता दें एक दूसरा हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है सनी पाल जी ने। बता दें गदर 2 का प्रमोशन दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पर हुआ है। इसे बता दें आज से पहले पठान मूवी भी रिलीज हो चुका है, पठान मूवी का प्रमोशन भी हो चुका है बुर्ज खलीफा पे, साथ में सलमान खान के भी फिल्म का प्रमोशन बुर्ज खलीफा पर हो चुका है। लेकिन बता दें आज से पहले किसी भी बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार के देशभक्ति फिल्म का प्रमोशन नहीं किया गया था बुर्ज खलीफा पर, जो कि सनी पाल जी ने कर दिखाया है और इस हिस्ट्री को क्रिएट सनी पाल जी ने किया। और मुझे नहीं लगता है कि इस हिस्ट्री को अभी कोई बॉलीवुड के सुपरस्टार तोड़ पाएगा। आपको क्या लगता है, आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा। आप लोग गदर 2 देखे या नहीं जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करके नीचे कमेंट बॉक्स में हिंदुस्तान जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।